हेलो एवरीवन, हाय। तो भाई आज मैं स्पेसिफिकली डिस्कशन करने वाला हूँ कि नीट एग्जाम में है ना, हमको मैच द मैट्रिक्स कैसे करनी है ना, क्योंकि कुछ बच्चे पैनिक कर गए कि अरे आप तो नीट में भी मैच द मैट्रिक्स आ रही है तो जेई एडवांस लेवल का पेपर हो गया है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मैट्रिक्स आते हैं उनको जेई एडवांस से दूर दूर तक कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं बताऊंगा ना। वो मैट्रिक्स मल्टी करेक्ट वाली होती है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन से देख के ही क्वेश्चन हो जाता है। मतलब इन मैट्रिक्स को तुम 30 सेकंड में कर सकते हो, तो मैं अगर एक दो भी आंसर आते हैं ना उनमें से तो बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बहुत स्पीड में सॉल्व होती है। तो चलो देखते हैं फटाक से अपन को कैसे करना है नीट एग्जाम में मैच द मैट्रिक्स, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पहले जेई मेन में भी आए हुए हैं, एक बार मैथ्स के पेपर में आए हुए थे ना, तो वहां पर भी बहुत आसान थी क्योंकि सिंगल करेक्ट वाली मैट्रिक्स है यार, ये जेई एडवांस वाली नहीं है, ये सिंगल करेक्ट वाली है। चलो देखते हैं ना, आ जाओ। जैसे जेई एडवांस का जो सॉरी इस बार जो नीट 2021 हुआ था उसी से सीख लेते हैं। उसके दो क्वेश्चन थे, दोनों को देख लेते हैं, है ना। सेक्शन ए में आए थे ना, तो देख के तो एकदम से डर लग गया यार, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, मार्क्स तो सेम ही है और यहाँ पे एक के बदले में चार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, देख के खतरनाक लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें पूरा सॉल्व ही नहीं करना। इंडीड मैच द मैट्रिक्स बाकियों से आसान है, बाकी क्वेश्चन में अगर तुम्हें नहीं आता तो नहीं कर सकते। यहाँ पे मान लो चार में से तुम्हें एक नहीं आता है, दो नहीं आता, तब भी कई बार क्वेश्चन हो जाता है, मैक्सिमम केसेस में हो जाता है। चलो एलिमिनेट करते हैं। पहले तो कोशिश करा करो कि जैसे ये दिया है कि ए का क्या क्या आंसर है ना, ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिनमें बिल्कुल यूनिक आंसर हो, मतलब सारे ऑप्शन अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे पीपी सेम हो गए ना, तो ये एलिमिनेट नहीं करेगा। तो हमें ऐसा कोई भी नहीं मिला कि जिसमें सारे अलग अलग हो, ये वाला है शायद, इसमें सारे अलग है, एस क्यू पी आर है ना। हाँ तो देखो, अगर मैंने डी वाला सॉल्व कर लिया, ऑप्शन पे देखो, अगर मैंने डी वाला सॉल्व कर लिया यार तो मेरा क्वेश्चन हो गया, मुझे बाकी करना भी नहीं पड़ेगा ना। अब देखो तुम डी वाला कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो यहां पे लिखा है डी वाला, लिखा है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो हमको पता है इंटरनल एनर्जी होती है एफ बाई टू एनआरटी, ये आसान है। एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक गैस का 5 होता है। तो तुम्हें सीधा एक बार में आंसर मिल गया भैया कि डी वाले का ये है, डी वाले का आर है। तो डी वाले का अगर आर है, मतलब डी का पी नहीं हो सकता, डी का क्यू नहीं हो सकता, तो तीन ऑप्शन तो तुम्हारे वही एलिमिनेट हो गए ना, तुम्हें सीधा आंसर मिल गया, बाकी तीन को तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है ना। ऑल दोस्त में यहाँ पर तो गड़बड़ भी आई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी हल्का सा गलत दिया हुआ था, है ना। तो अगर तुम ऐसे ढूंढ लो ना एक ऑप्शन, और ऐसे कई बार मैक्सिमम केस में मिल जाते हैं, है ना। चलो अब अगर मान लो, चलो डी नहीं आता, अब तुम कहो सर अगर मुझे डी आता ही नहीं है तो क्या करें, कोई नहीं फिर भी आ जाओ। चलो देखो, जैसे ये आता है रूट थ्री आर टी बाय एम, ये तो दिख रहा है ना, रूट थ्री आर टी बाय एम नॉट, ये तो हमारी आरएमएस वेलोसिटी होती है, ये तो सबको याद होता है। चलो रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यहीं पे पूछ लिया आरएमएस, तो ए वाले का हमको पता चलेगा क्यों हो गया। मान लो अगर किसी को डी नहीं आता तो मैं बता रहा हूं कि तुम कैसे करोगे ना, ए वाले का तुम्हारा क्यू हो गया। चलो ए का क्यू हो गया, तो चलो ये दोनों तो अभी भी एलिमिनेट हो गए। अब ये दो ऑप्शन बचे, आज आप करके क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस। चलो अब तुम्हें डायरेक्टली मान लो समझ में नहीं आ रहा कि भाई प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस क्या है, कोई बात नहीं, अगले पे आ जाओ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये तो सबको पता होता है एवरेज, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी, हाफ के टी, और हाफ के टी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑल दो ये ट्रांसलेशनल वाला है, ट्रांसलेशन मॉलिक्यूल के लिए है ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, 3/2 kT, है ना। तो तुम्हें सी का पता चल गया, एस है, अब तुम्हारे पास यही दोनों बचे थे, सी वाला देख लो। अच्छा सी वाला दोनों में एस हो गया, हाँ अब नहीं कर सकते, देखो तो ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे सी दोनों में एस हो गया, इंडीड सी वाला सॉल्व करने का फायदा ही नहीं है ना, सी तो दोनों में एस है, अब तुम्हें बी वाला या डी वाला ही करना पड़ेगा तभी तुम कर पाओगे, पर तुम्हें बाकी दिख रहा है कि अब ये एक ऑप्शन बचा हुआ है, इसको तुम कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलो आ जाते हैं ना, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर तुम सिर्फ डी वाला सॉल्व कर लो, डी आसान वाला है, सबसे आसान वाला है, अगर तुम सिर्फ डी को सॉल्व कर लो तो तुम्हें बाकी सॉल्व ही नहीं करना, बाकी तुम्हें नहीं भी आता, मान लो सी नहीं आता है, कुछ नहीं आता तो भी तुम कर सकते हो ना। हाँ चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और था उसके थ्रू भी देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब देखो अगर तुम पहला लुक लोगे तो क्वेश्चन तो ये भी डरावना है यार, क्या क्या दे दिया, क्या क्या दे दिया, पर ठीक आ जाओ करने की कोशिश करते हैं ना। देखो अब इसमें पहले ऑप्शन देख लो, क्या ए को सॉल्व करके कोई फायदा होगा। देखो इसमें तो हर एक ऑप्शन में ए का आंसर आर दिया हुआ है, मतलब ए को तो सॉल्व करना बेवकूफी है यार, अगर ए को तुमने सॉल्व ही कर लिया तो उससे कोई फायदा नहीं है, ए का ऑप्शन तो आर है, खत्म, ए को हमें सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि उससे कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करें, बी में दो ऑप्शन सेम है, सी में भी दो ऑप्शन सेम है और डी में भी दो सेम है ना। तो चलो है ना कुछ और करते, कुछ भी और करते। चलो अब देखो कि भाई यहाँ पे कोई भी एक यूनिक वाला तो नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें चारों अलग अलग आंसर हो, है ना, वरना तो उस एक को सॉल्व करने से काम हो जाता। तो कोई नहीं, चलो ट्राई करते, आसान वाला देखो इनमें से। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एनी बीडी वाला हो गया, ये तो गया। अब देखो ये नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपना ये आर वाला है ना, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हारी ये हो गया, ये तो अपना गया। अब ये एनी बीडी तो हमें बिल्कुल याद होता है, सबको याद होता है, एनी बीडी इज करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू एनी बीडी।
तो आ जाओ देख लो। तो डी डी है ना, डी तो हमें डी का पता चल गया, डी अपना क्यू हो गया, डी का अपना क्यू हो गया। अब देखो इससे कुछ एलिमिनेट हुआ क्या, इससे कुछ एलिमिनेट हुआ क्या, डी का हमें क्यू चाहिए। तो देखो ये दोनों एलिमिनेट हो गए ना, पी पी मतलब एक ये गलत ये गलत। तो अब हमें टू और फोर दो ही बचे हैं, टू और फोर दो ही बचेंगे। हमने डी निकाल दिया, ए से हमें कोई मतलब नहीं है। अब टू और फोर में तुम कोई भी सॉल्व कर लो, चाहे बी वाला सॉल्व कर लो चाहे सी वाला कर लो, दोनों के आंसर अलग अलग है ना। तो आ जाओ करते हैं ना, तो चलो आ जाओ। बी वाला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, वैसे तो ये भी आसानी है अगर तुम देखो तो, है ना, क्योंकि ये अपन को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ होता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा इक्वल टू तुम्हारा जे बाई ई, और रेजिस्टिविटी वन बाई सिग्मा होती है, तो तुम्हारा ई बाई जे। अब कोई भी एक सॉल्व कर लो तो हो गया तुम्हारा काम, है ना। तो तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बी का एस हो गया तुम्हारा, तो बी का एस, बी का एस तुम्हारे पास टू और फोर बचे हैं, तो ये फोर भी एलिमिनेट हो गया, तो यही तुम्हारा आंसर है। तो तुम देख रहे हो तुम्हें कुछ क्वेश्चन में तो एक ही सॉल्व करके जवाब मिल जाएगा, जैसे पिछला वाला है डी करके मिल गया था, कुछ में तुम्हें दो सॉल्व करके जवाब मिल जाएगा। और तुम्हें यहां पे तुम्हें इस तरह से भी समय बचाना है कि अगर तुम ए को कर रहे हो तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि ए तो हर एक में सेम है, ए तो हर एक में सेम है ना। अब जे एडवांस वाली क्यों डिफिकल्ट होती थी, क्योंकि उसमें ऐसे ऑप्शन नहीं आते, वहां पे तुम्हें ओएमआर में मार करना होता है ना, ऑप्शन नहीं आते वहां पे। तो ए का आंसर पी भी हो सकता है, पी क्यू आर एस चारों भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ए का आंसर में से पी क्यू आर हो या फिर क्यू आर एस हो, हो सकता है क्यू किसी का भी आंसर ना हो, तो वहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो वहां पे एलिमिनेशन की कोई चांसेस नहीं होते मल्टी करेक्ट मैट्रिक्स में ना, तो वो जेई एडवांस होती है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो ये सिंगल करेक्ट से भी आसान वाली है। तो आई थिंक इससे सभी को क्लियर हो गया होगा और अननेसेसरी डर तुम्हारा चला गया होगा ना। बाकी हमारी जो डीपीपीज वगैरह है उसमें तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो प्रोवाइड करी जाएंगी तुमको, है ना। तो और भी तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी, क्लास वगैरह में भी हम करते रहेंगे। तो बाकी के बच्चे जा सकते हैं, और उसके अलावा जो बच्चे अनअकैडमी पे मुझसे आगे पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स और मेरी टीम के साथ आगे पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो भाई 29 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है ना। ड्रॉपर बैच है ना, सुपर अचीवर बैच, ये वही बैच है जिससे नीट 2021 के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो 29 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ना, है ना। हर सब्जेक्ट में तुम्हें बिल्कुल बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं कोटा के, ना हर सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स है। फिजिक्स में मैं हूँ, जोलॉजी में एजी सर हैं, बॉटनी में संदीप नोटियाल सर हैं, है ना, इनऑर्गेनिक में रमेश शारदा सर, ऑर्गेनिक में शुभकरण चौधरी सर, और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे एकेएम सर, है ना। तो ये बैच 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और अच्छी बात ये है कि अभी ऑफर चल रहा है 27 से 30 सितंबर तक। जो लोग इस वीडियो को 30 सितंबर से पहले देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है ना, तो ऑफर चल रहा है। तो वैसे तुम्हें पता है अनअकैडमी पे रेफरल कोड होता है जिससे तुम्हें ऑफ मिलता है ना, तो मेरा रेफरल कोड जैसे फिजिक्स लैब है, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो ना, ठीक है। तो अभी एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है 30 सितंबर तक, तो तुम्हें 10+10 ऑफ मिल रहा है, मतलब 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है, तो टोटल 19% ऑफ पड़ने वाला है तुम्हें ना, ये सिर्फ 30 सितंबर तक है ना, उसके बाद फिर वापस सिर्फ 10% ऑफ मिलेगा। तो जो बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो बच्चे इसको बाद में देख रहे हैं तो मुझे पहले कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो उस समय जो भी नए बैचेस या नए ऑफर्स वगैरह जो भी होंगे मैं तुम्हें बता दूंगा ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, अभी जो भी बच्चे फिजिक्स लैब कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे वो जरूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि प्रतीक सर मैंने फिजिक्स लैब कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है, प्लीज टेक मी अंडर योर गाइडेंस, है ना। तो मैं तुम्हें सारी लिंक्स वगैरह भेज दूंगा, साथ में मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा जहां पे हर रोज 14 आवर्स डाउट चलते हैं, क्योंकि नीट में सबसे बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत फिजिक्स होती है ना। मैक्सिमम बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना फिजिक्स के कारण रुकता है, उसका एक बड़ा रीजन होता है कि डाउट ही क्लियर नहीं हो पाते, है ना। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हर रोज सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे डाउट चलते हैं, मतलब तुम कभी भी फिजिक्स से डाउट पूछ सकते हो। जब तुम क्लासेस में मुझसे पढ़ रहे हो वहां पे तो ऑन द स्पॉट क्लैरिफाई हो जाएंगे, पर जब घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी कोई डाउट आएगा तो तुम्हारा क्लैरिफाई हो जाएगा। इवन ऑन संडे, संडे को भी चलते हैं ना। तो मेरे साथ 9 फिजिक्स फैकल्टीज और जुड़े हुए हैं ना, उनमें से 2 टीचर बहुत सीनियर है ना कोटा के, है ना। तो हमारी पूरी टीम तुम्हारे लिए काम करेगी ना, वील मेक श्योर कि किसी का कोई भी डाउट ना बचे। यही रीजन है कि नीट 2021 में हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, फिजिक्स में इतने सारे स्टूडेंट्स 160 प्लस ला रहे हो आ रहे हैं ना, क्योंकि उनके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो रहे थे। याद रखना फिजिक्स लाइव कोर्स से तुम्हें तीनों सब्जेक्ट का 100% एक्सेस मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कोई भी क्वेरी है ना, कोई भी क्वेरी है कि तुम्हारे पेरेंट्स को कोई क्वेरी है या फिर तुम्हारे मन में कोई डाउट है कि तुम्हारे लिए बैच सही होगा नहीं होगा, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 7042223369। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय। और ये फॉलो कर लेना टेलीग्राम, जरूर फॉलो कर लेना क्योंकि सारे लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम पे आते हैं। इनकी इन सब की लिंक भी तुम्हें पता है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम। जो लोग अनअकैडमी प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट मैंने वेबसाइट पर डाल रखा है, मेरे वीडियो लेक्चर्स डाले हुए कंप्लीट, है ना, मतलब कई चैप्टर्स की कंप्लीट है ना। और जो हम पूरा प्रॉपर कोटा का मटेरियल है, जो डीपीपीज है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो भी पूरी डली हुई है कंप्लीटली फ्री, और एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है वो भी कोटा के टॉप टीचर्स बना रहे हैं ना। तो ये सब तुम्हें कंप्लीटली फ्री है फिजिक्स सॉलिक्स की वेबसाइट पे, तो वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो मैंने बहुत कुछ तुम्हें क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और कोई एड्स नहीं मिलेंगे ना, कोई समय की बर्बादी नहीं होगी ना।
यूट्यूब पे सब्सक्राइब वगैरह कर लेना भाई ना, जिन्होंने नहीं करा लाइक वगैरह कर लेना वीडियो को ना। चलो भाई बाय बाय।